थैंक यू सर, आज जो आपके साहसिक फैसले थे और जो भी कम्युनिटी के लिए आपने किए हैं, डेफिनेटली एक्चुअली ये कम्युनिटी की डिमांड थी जो हम लोगों तक आ रही थी और हम लोगों के माध्यम से आप तक पहुंच रही थी। सर, तमाम फेवर के साथ एक और हम्बल रिक्वेस्ट है, सॉरी दो, अगर वो भी एडॉप्ट हो जाए और वो फेवर आपसे मिल जाए तो पूरी कम्युनिटी ठीक हो जाएगी। मैं फिर उसके बाद थोड़ा सा कम्युनिटी को भी मैसेज दूंगा। दो एक रिक्वेस्ट और थी कि विड्रॉल में आप BLV लगा दें और पेयरिंग में USDB और BLV के साथ BFIC की ट्रेडिंग करवा दें। ये दो रिक्वेस्ट ये थी। दोबारा बताएं। मैंने कहा सर कि जो विड्रॉल फीस लगते हैं उसमें 5% BLV करवा दें और ट्रेडिंग जो पेयर दिया उसने USDB और BLV के साथ BFIC की पेयरिंग लगा दें डेक्सा पे। अगर ये दो और कर दें तो बड़ी मेहरबानी। USDB के दे देते हैं, कोई बात नहीं, BLV USDB दे देते हैं और BLV BFIC दे देते हैं। थैंक यू सर। और इसके बाद मैं कम्युनिटी को बताना चाहता हूँ कि कम्युनिटी ने अपने लिए जो कब्र खोदे हैं ना अपने हाथों से, वो भी मैं समझा देता हूँ। वो खोदे कैसे हैं लोगों ने, ये खोदे ऐसे हैं लोगों ने कि सिवेश जी ने किसी को 5 रुपए में BLV दिया, भाई दुरत बगल से खड़ा होता है, अच्छा सिवेश जी ने आपको बेवकूफ बना दिया, मैं 2 रुपए में दे देता हूँ। सिवेश जी ने 90 रुपए में USDB दिए, मैं आपको 56 रुपए में दे देता हूँ। ऐसे कर करके लोगों ने अपनी कब्र खुद खोदी है। अगर वो कहते कि सिख ठीक है मेरे से क्वाइन नहीं बिक रहा है, मैं सिवेश जी को कांटेक्ट करूंगा ताकि वो मेरे क्वाइन बेच दें ताकि लाइव रेट पे मेरा क्वाइन बिक जाए, और इस एटीट्यूड के साथ अगर लोग एक दूसरे से कॉपरेशन लेते तो आज कम्युनिटी की भी ये दुर्गति नहीं होती। आज मार्केट में किसी को बिलीव नहीं है कि कैसे काम करें। निकल के हम किसी को यदि बताते हैं कि भाई प्राइस 6.3 है, 6.30 रुपया लगेगा, अगला तुरंत बाहें पसारे खड़ा रहता है यह सोचते हुए कि हम शायद सस्ते में दे देंगे तो वो मेरे तरफ आ जाएगा, वो बंदा मेरा हो जाएगा, अगले प्रोजेक्ट में मेरे साथ आ जाएगा। ये लालच का लार टपकना बंद नहीं होता लोगों का, जिसके वजह से लोगों ने अपनी कब्र खोद रखी है। अगर मेरी ये बातें लोगों को समझ में आ जाए तो आई होप कि कल से सबकी दुर्गति ठीक हो जाएगी और 100% टोकन बिकने लगेंगे। आज लाज शर्म के मारे, अपनी इज्जत खराब होने के मारे हम जैसे लीडर डायरेक्ट लोगों को काम नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो नहीं काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जो छोटे छुड़वाइये हैं ना, ये तुरंत हाथ हैंड रेस करके खड़ा करते हैं कि यस मैंने तो एक्सचेंज बना रखा है। लोगों को बैनर कंपनी ने दिया और लोगों ने उसका मिसयूज किया। किस शेप में किया? डिफरेंट क्लोन्स करवा के लोगों ने, हर एप्लीकेशन का, फेसबुक के क्लोन भी होते हैं। आप अपने मोबाइल में 100 एप्लीकेशन खोल लें, 10,000 खोल लें, 1,00,000 ओपन कर लें। लोगों ने इस तरह बड़ा पैसा बनाया और ये लोग जो है ना, ये इन लोगों ने सप्लाई को ज्यादा डिस्टर्ब किया है। एक एक रखे हुए हैं, क्लोन किए हुए हैं, डायरेक्ट 10% ले जाते हैं, 10-10 करके। एक बंदे ने मिसाल के तौर पर 1,00,000 किया तो 10,00,000 टोकन आ गया। अब उसको क्या फर्क पड़ता है? वो चार फोकट का माल है, हराम का चीज है, वो जो कर ले। मिसयूज करके प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने सारा। हाँ, तो मैं इसीलिए सर, मैं भी काफी नाराज हूँ, सुबह से मेरा भी दिमाग खराब हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कोई नहीं, कर ले, या तो आप सुधर जाए या तो सिधर जाए। यदि आज भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही ना इन लोगों को, तो फिर बहुत जल्द फिर वो वही वाली बात होगी कि ये 5 महीने काटने भी मुश्किल होंगे। ठीक है, फिर इनको लगेगा कि किसी ने इन्हें सूली पे टांग दिया है। लेकिन अगर अपने व्यवहार को ये लोग ठीक कर लेना कि यस, अगर कोई बंदा 6.30 रुपए में टोकन बेचने में सक्षम है तो उसको कॉन्टेक्ट करें, उससे रिक्वेस्ट करें यार मेरे टोकन भी बिकवा दो, ताकि आपकी इज्जत भी बनी रहे और सिस्टम की इज्जत भी बनी रहे। ये बेगैरतपना जो दिखा रहे हैं लोग ना कि यस ये फ्री में हराम का आ रहा है, बस उड़ाए जाओ, ठीक है, दूसरे को नीचा दिखाए जाओ, अपना उल्लू सीधा किए जाओ, तो आप देख लें आप लोगों का हाल क्या है। पिछले 2-2.5 महीनों में अपनी ताकत समझ में आ गई होगी आप लोगों को, तो सिस्टम की ताकत के साथ चलें, अपनी अकल थोड़ी कम लगाएं। अगर अकल होती ना तो आज इनोवेशन फैक्ट्री की मीटिंग में नहीं बैठे होते, कहीं ना कहीं कुछ और कर रहे होते। लेकिन अगर अकल नहीं है तो इनोवेशन फैक्ट्री जो रोड मैप दे रही है उसके साथ चलें। आपके जिंदगी के सक्सेस के लिए बस यही एक रास्ता है। ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश ना करें लोग। और ये जो फीलिंग आती है ना कि दूसरे की टीम को थोड़ा कम पैसे में देकर के लालच से खींच लेंगे, वो कोई गया क्या आज तक आपके पास? देख लें, उसको भी चेक कर लें। बिल्कुल, आपने सही कहा, आपने सही कहा। ये काफी दिन से मेरे मन में भी बातें हैं। आज उमर सर से पहली बार जो उनके, सच बताता हूँ, दिल से काम कर रहे हैं और लाखों लोगों को जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही लोग जो, आज मैं बताता हूँ, अब जो आपका ही बात से मैं शुरुआत कर देता हूँ,
जिन लोगों ने स्टार्टिंग किया है ना लोग दूसरे की टीम को तोड़ने के लिए, वही लोग आज बैक टू नॉर्मल लाइफ वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे खड़े थे। आज उनके लिए ना बुलेटों में भी ऐड लगाने का, बुलेटों में ऐड लगाने के लिए पैसे नहीं है। और आज दूसरी बात सर, दूसरी बात वही बता रहा हूँ मैं आपको, एक मिनट सर जी, जिन उन लोगों ने अपने साथ में टीम लेके आए है ना, उनके साथ में बुलेटों में लगाने के लिए आईडी नहीं है, पैसा नहीं है उनके पास, ये हालत है आज उनकी। तो ये बातें सही है, उमर सर जो कर रहे हैं, मैं तो उमर सर के साथ में हूँ, क्योंकि उमर सर कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तकलीफ होती है। आज क्या जरूरत थी उमर सर को इतना पैसा करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगाने के लिए, और 24 घंटा इतने कभी कहीं जाना कभी कहीं जाना, कितना कितना मेहनत कर रहे हैं। और हमें तो एक चीज और करना चाहिए, उमर सर का साथ देना चाहिए। 1,51,53,00,000 लोग हैं, एक एक बंदा एक एक अंगुली उठा कर चले ना, तो बहुत बड़ा कारमा हो सकता है और बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। हम साथ देने की बजाय टांग खींचने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, प्लीज 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 हीरालाल जी प्लीज। तो थोड़ा सा आप लोगों को समझना है कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है। आपको चेक करना है कि क्या हमारी बातें मान करके लोगों की जिंदगी नहीं बदल सकती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? ये जो ग्रुप बना बना के रखे हैं ना, सेलर ग्रुप एक्सचेंज, ठीक है कि उनसे ले लो भैया 1.20 रुपए में और 1.40 रुपए में बेच लो, ऐसा करके कौन सा अचीवमेंट ले लेंगे आप? कितनी बड़ी ऐसी अचीवमेंट मिल गई है पिछले 2 महीने से ये सब करके? थोड़ा चेक कर लें। इनोवेशन फैक्ट्री ने हमेशा मेहनत किया है कि एंड यूजर लूजर ना हो, ज्यादा से ज्यादा सक्सेसर हो। और ये होता अगर कुछ बेवकूफ लालची लोग, एक तो लालची हैं दूसरे बेवकूफ हैं, ठीक है, बिल्कुल बेवकूफ लालची लोगों की वजह से आप सब लोगों का सत्यानाश हुआ पड़ा। रवेश जी ऊपर वाले के ऊपर सब कुछ होगा, लेकिन अब टाइम पे होगा, अपने कंपनी के रोड मैप पे। सही है, बिल्कुल सही है सर। मैं आपका आज हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने सिस्टम को फॉलो किया और अब ये देख लें कि इनको क्या करना है। बिल्कुल सही किया आपने, और चूंकि हम लोगों की मांग थी और आपने उसे मान लिया, उसके लिए हम लोग तहे दिल से आपके आभारी हैं। और ये बिल्कुल सही हुआ, और ये अब समझेंगे कि अब इनको चलना कैसे है। और ये मेरी आज दोस्त के तरह लीडर के तरह फर्स्ट एंड लास्ट एडवाइस है, चेक कर लें। और अगर लार टपकना बंद नहीं होता ना, तो नोट कर लें कि कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है और आप अपनी इज्जत भी नहीं करेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेट कर लें सर, सर उमर सर कुछ दिखा रहे हैं, वेट कर लें दिनेश भाई, बुलेटो में जरा साइन अप कर लें जी। ये हम चलेंगे।